हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर ले जाने वाला हूं जो कि ग्वालियर के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है और इसे मध्य भारत के सबसे विशाल और पुराने मंदिर होने का श्रेय जाता है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत की राजकुमारी से शादी करी थी और दक्षिण भारत में सारी शादियां मंदिरों में होती है, इसलिए उन्होंने भी यहां मंदिर बनवाया जो कि द्राविड शैली का है और इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 100 फीट की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं फिलहाल हूं तेली के मंदिर में और ये ग्वालियर किले के नजदीकी है, तो अगर कभी आप ग्वालियर किले आते हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। और बेसिकली ये तेली का मंदिर उस टाइम के जो तेल के जो व्यापारी थे उनके कंट्रीब्यूशन से बनाया गया था। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए, इस मंदिर के निर्माण के लिए उस टाइम पे राजा को पैसे दिए थे और उस टाइम पे ये तेल के व्यापारियों के पैसे से ये मंदिर बनाया गया था, इसलिए इस मंदिर का नाम तेली का मंदिर कहा जाता है। बहुत अच्छा है, अगर आप देखोगे इस पर बहुत अच्छी अच्छी नक्काशी की गई है। आर्किटेक्चर के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, इसमें बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं, रेड कलर का ये इतना शाइन करता है। बाकी मैं इस मंदिर के बारे में आपको और वीडियोस दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस मंदिर का वीडियो देख के। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं तेली के मंदिर के बारे में। इस मंदिर के लिए ऐसी धारणा भी है कि पुराने समय में राजकुमार और राजकुमारियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी और उन्हें वैवाहिक जीवन के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं होती थी। खजुराहो और इस मंदिर में आपको कुछ इस प्रकार की मूर्तियां मिल जाएंगी जो कि वैवाहिक जीवन के बारे में बताती हैं। पुराने समय में शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों को यहां भेजा जाता था ताकि वो इन मूर्तियों से शादी के बाद के वैवाहिक जीवन को समझ सके। हालांकि अब ये मूर्तियां काफी नष्ट हो चुकी हैं, किंतु अभी भी यहां कुछ मूर्तियां हैं जिसे आप देख सकते हैं। आप इस मंदिर में बड़े बड़े पिलर भी देख सकते हैं जो कि मंदिर का हिस्सा नहीं हुआ करते थे और इन्हें बाद में लगवाया गया ताकि भूकंप से इस मंदिर को कोई नुकसान ना हो। अठारह की क्रांति के दौरान जब किले पर अंग्रेजों का हमला हुआ तब इस मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ और बाद में ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया और आज भी ये मंदिर अपने गौरवशाली इतिहास और सुंदरता की वजह से काफी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए इस मंदिर के मुख्य द्वार के बीच में आप गणेश जी की प्रतिमा भी देख सकते हैं और इसके दोनों तरफ पूज्य नदी गंगा, यमुना, सरस्वती और पार्वती जी की प्रतिमा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर छोटी छोटी मूर्तियां भी दिखेंगी और ऐसी यहाँ 132 मूर्तियां हैं जो कि पूरे मंदिर के बाहरी दीवारों पर बनी हुई हैं। मंदिर का गर्भगृह काफी ऊंचा है और इसका निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है और इसमें पानी के बाहर जाने का रास्ता भी बनाया गया है और ऐसा भी माना जाता है कि पुराने समय में यहां पूजा के लिए शिवलिंग भी हुआ करता था। ये मंदिर ग्वालियर किले से कुछ ही दूरी पर स्थित है और आप चाहें तो यहां आने के लिए ई रिक्शा या पैदल भी आ सकते हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कभी ग्वालियर आएं तो इस जगह पर जरूर विजिट करें।
आई होप आपने मेरे इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेफ्ट में दिए हुए इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।